नमस्कार, मैं रविश कुमार। दो महीने से जो बैरिकेड किसानों को दिल्ली आने से रोक रहे थे, वे 26 जनवरी को उनके रास्ते से हटा लिए जाएंगे ताकि किसानों का ट्रैक्टर मार्च हो सके। किसान आंदोलन के लिए यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने विनम्रता से कहा है कि हम दिल्ली को जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश की जनता का दिल जीतने जा रहे हैं। 26 जनवरी की परेड नए सिरे से परिभाषित होने जा रही है। एक ही दिन राजधानी दिल्ली में दो परेड होगी, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर। राजपथ की परेड खत्म होने के बाद किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होने जा रही है। दिन के पहले हिस्से में जब गणतंत्र अपनी उपलब्धियां गिना रहा होगा, उसी दिन के दूसरे हिस्से में उस गणतंत्र की आबादी के 50% लोग अपनी माली हालत के बारे में बता रहे होंगे। किसानों का परेड की मंजूरी हासिल करना साधारण घटना नहीं है। बड़ी संख्या में किसान अपना ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के चारों तरफ जमा हो चुके हैं। तालाबंदी के बीच अध्यादेश के जरिए लाए गए खेती के सुधार के ये तीन कानून इस बार सरकार और किसानों का इम्तहान ले रहे हैं। संसद में यह कानून कैसे पास हुआ, उसे भी याद करने का वक्त है। फ्लैशबैक के जरिए आपको 24 नवंबर से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते के दिनों में ले जाना चाहता हूं। किसान दिल्ली तक ना आ सकें, इसके लिए रास्तों को ही काट दिया गया। गहराई इतनी कर दी गई कि कोई उतरकर पार ना कर सके और चौड़ाई इतनी कर दी गई कि कोई दौड़कर फांद ना सके। सीमेंट के बने भीमकाय बोल्डर लाए गए और रास्तों के बीच रख दिए गए। वो कम पड़ गए तो बड़े बड़े कंटेनर से रास्तों को बंद कर दिया गया। किसान तब भी नहीं माने तो कटीली तारों का जाल बिछा दिया गया। दुनिया में बैरिकेड का लंबा इतिहास रहा है, मगर ये पन्ना उस इतिहास में एक नए चैप्टर की तरह जुड़ गया। किसानों के लिए यह सदमे से कम नहीं था कि उन्हें रोकने के लिए सरकार सड़कों में गड्ढे खोद देगी। वे आगे ना बढ़ सके, उन पर पानी की बौछारें की गईं, ठंड की परवाह नहीं की गई। आखिर दिल्ली की सीमा तक पहुँच भी गए तो गोदी मीडिया के रूप में एक और बैरिकेड तैयार था, जो करोड़ों लोगों को बताने लगा कि ये अन्नदाता नहीं, आतंकवादी हैं। किसानों के लिए यह दूसरा सदमा था। जिस मीडिया के फेर में गांव-गांव में हिंदू मुस्लिम राजनीति की हवा ने जोर पकड़ी, अब उन्हीं गांवों के लोग गोदी मीडिया के सामने सफाई देने लगे कि वे तो किसान हैं, आतंकवादी नहीं। किसानों ने समझ लिया कि उनके आंदोलन का भविष्य मीडिया के कवरेज पर नहीं टिका है। देखते देखते गोदी मीडिया के बहिष्कार के पोस्टर टांग दिए गए। इस दौर में धारणाओं से लड़ना और जीत जाना आसान नहीं है। 157 लोग इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, मगर यह आंदोलन तमाम तरह के प्रोपेगेंडा के हमलों को झेलता हुआ यहां तक पहुंचा है। 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस अपना बैरिकेड हटा लेगी। बहुत जोर जोर से तैयारी हो रही है और शांतमय तरीके से हम जो है ये ट्रैक्टर जो परेड है ये की जाएगी। इसमें मतलब के जो 29 हमारे प्रदेश हैं पूरे देश के, उनकी झांकियां होंगी, उन लोग होंगे, बहुत जोर शोर से जो है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जितना आप उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा आ गए हैं, तो ऐसे में भीड़ को मैनेज करना ये भी बड़ा चैलेंज रहेगा। देखिए, इसीलिए तो हम सरकार को कह रहे थे कि ये जो किसानों की मांगे हैं ये मान लो, और 26 जनवरी को जितने लोग आएंगे ना आपसे संभाले जाएंगे ना हमारे से संभाले जाएंगे। सरकार ने इस बात की परवाह नहीं करी। ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार किस लिए बनाई जाती है? वो अच्छा राज और अच्छा प्रशासन दे। ये कैसा राज है कि यहाँ पर हमारा कल का आइडिया था, जो हमारे को रिपोर्टें मिली थी कि 3 लाख ट्रैक्टर आएंगे, लेकिन आज सुबह से जो बात चल रही है, जो पता चल रहा है कि ये गिनती दुगनी होने जा रही है। इतने ट्रैक्टर आएंगे तो आदमी कितने होंगे? सो इसको जो मैनेजमेंट कर रहा, हम फिर भी अपनी तरफ से वॉलंटियर तैयार कर रहे हैं। ओवर वॉलंटियर जितना भी हो सका, सबसे ज्यादा हम मैनेजमेंट करेंगे, डिसिप्लिन में चलेंगे। दिल्ली ने किसानों की कई रैलियां देखी हैं, ऐसी रैली पहली बार देखने जा रही है दिल्ली। 2017 में दिल्ली में 100 से अधिक किसान संगठनों का मार्च निकला था। किसान संसद को गोदी मीडिया ने कितना कवरेज किया, आप खुद भी पता कर सकते हैं। तब किसी ने उन्हें पैदल चलते हुए उनके कपड़े तक नहीं देखे, क्योंकि कवर ही नहीं करना था।
लेकिन जब किसान अपने साथ ट्रॉली लेकर आए तो कहा गया कि बड़े किसान हैं, पिज्जा खाते हैं। छब्बीस जनवरी को जब लाखों ट्रैक्टर परेड करेंगे तो देश की निगाहों में किसानों का एक नया रूपक खड़ा हो जाएगा। ये ट्रैक्टर किसान के नए हल हैं। किसान अपनी पहचान से ट्रैक्टर को अलग नहीं कर सकता है। ट्रैक्टर उसकी अमीरी की पहचान नहीं है। ट्रैक्टर के बाद भी वह गरीबी झेल रहा है, दाम के लिए संघर्ष कर रहा है और कर्ज में डूबा है, और वो ट्रैक्टर के कर्ज में भी डूबा है। लेकिन ट्रैक्टर किसानी की पहचान है। न्यूज़ चैनल देखने वाले चैनल क्लास को आप नहीं समझा सकते कि पिज्ज़ा भी इन्हीं के गेहूं से बनता है। जिस ट्रैक्टर और ट्रॉली को लेकर किसानों को अमीर बताकर बांटने की कोशिश हुई गरीब किसान और अमीर किसान ने, अब वही ट्रैक्टर किसानों की नई पहचान के रूप में स्थापित होने जा रहा है। पहले से भी है, लेकिन चैनल क्लास के सामने खुद को स्थापित करेगा। जब इन्हीं चैनलों के लिए राजनीति इवेंट में बदल जाती है तो आंदोलनों को भी राजनीति से बड़ा इवेंट हो जाना होगा। इस मार्च के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक हिदायतनामा जारी किया है, इसे पढ़ा जाना चाहिए ताकि पता चले कि 2 महीने के बाद भी यह आंदोलन कमजोर नहीं हुआ बल्कि पहले से मजबूत और व्यवस्थित हो गया है। संयुक्त मोर्चा ने इस परेड में शामिल किसानों से कहा है कि इस ऐतिहासिक परेड में किसी किस्म का धब्बा ना लगने पाए। गणतंत्र दिवस पर इस देश में गण यानी हम लोगों ने कभी इस तरह की परेड नहीं निकाली है। हमें इस परेड के जरिए देश और दुनिया को अपना दुख दिखाना है, किसान विरोधी कानून की सच्चाई बताना है। इन हिदायतों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। परेड से पहले की तैयारी की 5 हिदायतें हैं, परेड के दौरान क्या करना है इसके लिए 9 हिदायतें हैं, और आपातकाल में क्या करना है इसके लिए 5 और हिदायतें हैं। तय हुआ है कि परेड में ट्रॉली नहीं जाएगी, केवल वही ट्रॉलियां जाएंगी जिनमें झांकी बनी होगी। 24 घंटे का राशन पानी पैक कर चलना होगा। जाम में फंसने पर ठंड से बचाव का इंतजाम रखें। हर ट्रैक्टर पर किसान संगठन के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडा लगा होगा, किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं लगेगा। भड़काऊ या नेगेटिव नारे वाले बैनर ना लगाएं। परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। वॉलेंटियर हरे रंग की जैकेट में होंगे और ट्रैफिक का काम देखेंगे। परेड की रूट पर निशान लगे होंगे। जो गाड़ी रूट से बाहर जाने की कोशिश करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सारी गाड़ियां परेड पूरी कर वहीं वापस आएंगी जहां से चली थी। एक ट्रैक्टर पर अधिक से अधिक 5 लोग ही सवार होंगे। बोनट, बम्पर या छत पर कोई नहीं बैठेगा। सारे ट्रैक्टर लाइन में चलेंगे। ट्रैक्टर में अपना ऑडियो डेक नहीं बजा सकेंगे, नशे की मनाही है। औरतों से पूरी इज्जत से पेश आने को कहा गया है, और कहा गया है कि पुलिस का सिपाही भी वर्दी में किसान है, इससे झगड़ा नहीं करना है। मीडिया वाले चाहे जिस भी चैनल से हों उनके साथ बदतमीजी ना हो, ये बहुत ज़रूरी हिदायत है। सड़क पर कचरा ना फेंके, कचरे के लिए अलग से बैग रखें। हम सारी बात समझ गए, जो हमारे किसान नेता ने हमको बताया है, वे शांतिपूर्वक जाएंगे, जिस रूट के बोला है उस रूट पर जाएंगे, जितनी देर जितना जितना किलोमीटर का हमको दिया है उतने उतने किलोमीटर तय करेंगे, फिर वापस अपनी जिस जगह से तुरेंगे वहां पर आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने जो भी उन्हें कहा आ उन्होंने कहने के अनुसार ही अं जावे। जे जिन्ने ट्रैक्टर उत्ते बंदे कहे आ उन्ने वो ट्रैक्टर के बंदे होंगे, कोई उलंघना नहीं होगी। साढ़े वालों शांतिपूर्वक जाने के रैली कढ़ी जाऊगी, तो शांतिपूर्वक ही जाने के चाहते आप सारा काम सारी और बाकियों भी अं कहने भी जाने के कोई भी शरारत नहीं करनी, आप इतों जित के जाना। अच्छा, प्यार ना शांति दे नाल ही सारा ये प्रोग्राम करना है। जिहड़ा गणतंत्र दिवस आ ये पूरे देश का आ, इकले मोदी का जां किसी होर दा, इकले दा नहीं गा, ये सारी दुनिया का आ, ये सारी दुनिया नूं चाह आ। साडे जिहड़े ट्रैक्टर ने साडे जहाज आ, जे कि तो कार आ वो कार जा, साडे जिहड़े ट्रैक्टर आ साडा सारा कुछ ट्रैक्टर ही आ। अं ये उत्ते अपनी परेड कढ़नी आ, शांतिपूर्वक कढ़नी आ। नहीं, हाँ जी, हम बिल्कुल अनुशासन के तहत ही हम अपनी करेंगे। अच्छा। रैली और किसी प्रकार की हम सरकार के अपने नेताओं को कभी भी नीचा नहीं देखने देंगे। कहीं भी किसानों ने नहीं कहा कि वे गणतंत्र दिवस की परेड नहीं होने देंगे। फिर क्या कारण रहे होंगे कि हरियाणा के मंत्री 26 जनवरी को ध्वजारोहण के लिए जिला मुख्यालयों में नहीं जाएंगे,
यहां तक कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उस दिन पानीपत में होना था, लेकिन वे पंचकुला में तिरंगा फहराने जा रहे हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री ने जींद जिले में ध्वजारोहण किया था। 8 जनवरी को इसका आदेश आ गया था कि कौन से मंत्री किस जिले में रहेंगे, लेकिन आज यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मोहम्मद गजाली विस्तार से बता रहे हैं। पानीपत जिले में जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को झंडा फहराना था, वो कैमला गांव से, जो करनाल का गांव है, उससे काफ़ी कम दूरी पर है, और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री ने अपना प्रोग्राम चेंज किया या राज्य सरकार की तरफ से नई सूची जारी की गई। इसी तरह अगर रोहतक जिले की बात करें तो वहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल को झंडा फहराना था पुरानी सूची के हिसाब से, लेकिन जो नया आदेश आया है, जो नया ऑर्डर आया है, उस हिसाब से अब रोहतक में वहां पर के सीनियर और आला अधिकारी जो हैं वही झंडा फहराएंगे। अगर बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हरियाणा में पिछले कई दिनों से, जब से कृषि कानून का मसला उठा है, किसान अलग अलग जगहों पर जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी और भाजपा के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही दिनों पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उन्होंने साफ साफ ये बात अपने समर्थकों को कहा था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बात कही थी कि किसी भी नेता का विरोध नहीं होना चाहिए या गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो या प्रकट ना हो, इसलिए सभी लोग शांति बनाए रखें। इसके बावजूद आला पुलिस अधिकारियों से बातचीत से ये पता चला है कि सरकार या पुलिस का जो महकमा है, वो किसी तरह के चांसेस नहीं लेना चाहता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि हर ज़िले में जहाँ भी भाजपा के जो मंत्री हैं, सरकार के जो मंत्री हैं या जो अन्य लीडर्स हैं जिन्होंने जाके झंडा फहराना है, वहाँ पर किसी तरह की कोई बड़ी ना हो या 10 जनवरी के करनाल के कैमला गांव वाली कोई घटना ना हो। देश का जवान तिरंगे के लिए गोली खा लेता है, मंत्री लोगों का तिरंगा फहराने का कार्यक्रम रद्द हो जाता है। जब जवान पीछे नहीं हटते हैं तो मंत्रियों को पीछे नहीं हटना था। 10 जनवरी को करनाल में हिंसा हुई थी, लेकिन हरियाणा के किसानों ने साफ कहा है कि 26 को वे किसी भी कार्यक्रम में बाधा नहीं डालेंगे। क्या सरकार 26 जनवरी के ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं कर सकती है? आखिर हरियाणा के मंत्री तिरंगा फहराने के कार्यक्रम से पीछे कैसे हट सकते हैं? क्या उन्हें अपनी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं? शरद शर्मा टिकरी बॉर्डर पर बता रहे हैं वहां से कि किसानों के बीच तिरंगा किस शान से लहरा रहा है। टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड नांगलोई जाएगी, नजफगढ़ और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से गुजरेगी। मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं। यहां पर 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की तैयारी चल रही है और लगभग सभी ट्रैक्टरों पर जो एक खास बात दिखाई दे रही है वो ये है कि सभी पर ये देखिए तिरंगे लग गए हैं। जहां पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे, किसानों के जो अपने यूनियंस हैं, जो एसोसिएशन हैं, उनके आपको झंडे ज़रूर दिखाई देंगे ट्रैक्टर पर, लेकिन साथ साथ जो है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा सम्मान है तिरंगा, वो भी जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये तिरंगा क्यों लगाया हुआ आपने? ये हमारा आदर सत्कार है, राष्ट्रपति का भी है, जय जवान जय किसान का भी है। अच्छा, हमारा देश का तिरंगा, हिंदुस्तान का तिरंगा है ये। तो ये लगा के कल आप लोग जो हैं दिल्ली में परेड करेंगे? परेड करेंगे जरूर, सारा देश लग रहा करण परेड नेवी वाले। हाँ। और ये वायु सेना, जल सेना सारी परेड दिखावे हैं। अच्छा, हम भी अपनी परेड दिखाएंगे ट्रैक्टरों से। अच्छा, एक तरफ जवान की परेड है, दूसरी तरफ किसान की परेड। किसान की परेड है। ये वो लोग हैं जिनको देशद्रोही तक बताया गया या अलग अलग नाम दिए गए? देखो, कल हमारा 26 जनवरी है। हाँ। हमारे देश का जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देके देश याद कराया, उसका गणतंत्र दिवस है जो मनाने आते हैं हम। और देखो, किसान मुसीबत में बैठा, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। हाँ। करोड़ों रुपये का किसानों ने झंडा, देश के स्टिकर लेके अपने ट्रैक्टरों पर लगाया, और तुम देख लो सारे इंडिया में उतना झंडा नहीं सेल हुआ जितना किसान आंदोलन में देश का झंडा सेल हुआ। हर साल 26 जनवरी की परेड पर खतरा होता है, लेकिन परेड नहीं रोकी जाती है। हरियाणा के मंत्री जिले में तिरंगा लहराने के कार्यक्रम से पीछे हट गए, यह अजीब बात है। उनका कार्यक्रम हर हाल में होना चाहिए था। यह गाजीपुर बॉर्डर का वॉर रूम है। रविश रंजन ने बताया कि पूरी परेड को 9 जोन में बांटा गया है। हर सेक्टर पर वॉलंटियर की दूसरी टीम वीडियोग्राफी करेगी। 300 वॉलंटियर्स और पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर परेड की निगरानी करेंगे। NH9 की एक लेन मीडिया और निगरानी करने वाले वॉलंटियर्स के लिए खाली रहेगी। 8 जगहों पर परेड में आए ट्रैक्टर्स के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हथियार कोई ना ला पाए, इसके लिए 6 वॉलंटियर्स की 5 टीमें मेटल डिटेक्टर के साथ बीते 3 दिनों से हर किसान की चेकिंग कर रही हैं।
इस तरह की व्यवस्था आंदोलन के सभी मोर्चों पर की जा रही है। 2,500 वॉलेंटियर तैनात किए गए हैं। जितेंद्र सिंह जीतू हैं, जो कि हेड है यहाँ पर वॉर रूम के। जीतू भाई, ये बताओ कि कल 26 जनवरी को परेड है, कोई हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी ना होने पाए, इसके लिए आप लोगों की ओर से क्या तैयारी की गई है? कितने वॉलंटियर्स को लगाया गया आपने? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कोई छोटी सी भी हरकत ना हो, इसके लिए हमारी तैयारी आज से नहीं 3-4 दिन से चल रही है। आप देख ही रहे हो कि 3 जोनों से चेकिंग चल रही है हमारी, आधुनिक मेटल डिटेक्टर के साथ जितने भी एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर भी कर दिया है। उसके बाद आज मैं पहला काम बताता हूँ आपको कि हमने रजिस्ट्रेशन के टेबल लगाए हैं। 4 जगह हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करके उनका आधार कार्ड ले रहे हैं, उन्हें एक स्लिप दे रहे हैं एज अ कोर्ट के लिए कि जब भी हम चेक करें आपके पास ये होनी चाहिए। ये खाली स्लिप आप लोग? जी, ये स्लिप है, इसमें हमारे अथॉरिटी के साइन है जो यहाँ पर कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा हमने वॉलंटियर की टीम जो है हमने तैनात कर दी है। 30 टीमें हमने लगा रखी है रिकॉर्डिंग के लिए कि इतने जोन से लेके इतने जोन तक ये वाली टीम रिकॉर्ड करेगी, जब यहाँ से काबिला चले जाएगा। बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी रहेगी। बाकी हमारे साफ इंस्ट्रक्शन है कि 5 लोग एक ट्रैक्टर पर रहेंगे, कोई शो पे नहीं बैठेगा, कोई पीछे फटली पे नहीं खड़े होगा, जिससे कोई दुर्घटना का डर ना हो। बाकी जब यहाँ से हमारे ट्रैक्टर निकलेंगे तो आगे हम बैरिकेडिंग लगाएंगे, यहाँ से भी मेटल डिटेक्टर के साथ हम चेकिंग करेंगे। जाने के लिए हमने अभी जैसे अक्षरधाम से हमने टर्न लेना है तो NH-24 पर हमारे ट्रैक्टर्स रहेंगे, NH-9 को हमने वॉलेंटियर्स प्लस मीडिया कर्मियों के लिए खाली कर रखा है कि जितने भी ट्रैक्टर जाएंगे वो इधर से NH-9 से कि जहाँ से हम पेट्रोलिंग कर सकें। लगभग मैंने 25 पेट्रोलिंग कारें तैयार कर रखी हैं उसके लिए। 30 बाइकों का इंतजाम कर रखा है कि जिससे वॉलंटियर्स के पास बाइक रहें कि जो आगे पीछे जा सकें। रविश रंजन बता रहे हैं कि 26 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की परेड 11 बजे के बाद निकलेगी, जो पहले अक्षरधाम मंदिर तक जाएगी और वहां से आनंद विहार होते हुए अप्सरा बॉर्डर और हापुड़ चुंगी होते हुए दतोई तक जाएगी। और वे यहीं से दिखा रहे हैं रविश की गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन किस तरह से परेड के लिए तैयार है। ये गाजीपुर बॉर्डर के फ्लाईओवर का नीचे का हिस्सा है और यहाँ पर हम लोगों की पहले गाड़ी खड़ी होती थी, 3 दिन पहले तक यहाँ पर पार्किंग होती थी मीडिया की। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ से लेकर और डाबर चौक तक आपको दूर दूर तक किसानों के टेंट और ट्रैक्टर ट्रालियाँ ही यहाँ पर नजर आएंगे। ये दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाता है, ये सड़क खुली हुई है और अगर दूसरी साइड में मैं आपको दिखाऊं तो तकरीबन 3 किलोमीटर ये और दायरा इसका बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर खोड़ा तक पहले ये था, अब खोड़ा से भी आगे चला गया है। यानी लगातार जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, जो पैदल लोग हैं, जो और अपने दूसरे साधनों से यहाँ पर आ रहे हैं, वो लगातार किसान यहाँ पर आ रहे हैं। आज रात तक और ज़्यादा लोगों के यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। और अगर हम गाजीपुर बॉर्डर के अकेले की बात करें तो नेताओं का ये कहना है कि जो किसान नेता हैं कि 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रालियां यहां पर जो है वो आज रात तक पहुंच जाएंगे। ये आंदोलन अपनी परेड में अनगिनत कहानियां लेकर आ रहा है। हर किसान अपने ट्रैक्टर को कहानी की एक किताब बनाकर ला रहा है, किसी पर पोस्टर लगे हैं तो किसी को खास तौर से सजाया गया है। टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने अपनी ट्रॉलियों को खास तौर से सजाया है। ट्रॉलियों पर बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए हैं। इन पोस्टरों में सिर्फ किसान नहीं है, दलितों के खिलाफ होने वाली हिंसा का भी चित्रण है, मजदूरों के पलायन का भी चित्रण है। इसके जरिए बताया जा रहा है कि यह सारे संकट खेती किसानी के संकट हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा इस वीडियो में रिपोर्टर की तरफ पंजाबी में बयान कर रही है, उनकी नेता हरिंदर बिंदु। COVID-19 जेड़े संती मजदूर है, प्रवासी है, जिन्होंने अपने पिंड वापसी की है, उन्होंने हालत पेश कर दी झाकी है कि एक पास जेड़े साडे मुल्क दे हुक्मरान है उन्होंने अमीर जादियां वास्ते जहाज चलाए ते साडे किरती लोकां वास्ते एक गड्डी दा एक ट्रेन दा प्रबंध नहीं किया, उन्होंने वास्ते रोटी दा प्रबंध नहीं किया, उन्होंने वास्ते पानी दा प्रबंध नहीं किया। किन्नियां जाना जड़ियां भुख नाल तेह नाल ओह उन्हां दियां गईयां ने, किन्नियां ने ट्रेन दे थले आए ने, किन्नियां दे एक्सीडेंट होए है, वो असल तस्वीर असीं जिहड़ी पेश कीती हैगी है। जड़ियां 1990-91 दे विच नीतियां लागू कीतियां गईयां ने, जिन्हां नूं आर्थिक संति नीतियां कहा जांदा है, उन्हां नीतियां ने साडे भारत दे विच खुदकशियां दित्तियां ने, बहुत वड्डी पद्धर ते खुदकशियां होईयां ने। इह ओह खुदकशी परिवार आए ने जिन्हां दे छोटे छोटे बच्चे, जिन्हां दा बचपन खोलिया इत्थों दे हाकमां ने, उन्हां साम्राज्जी नीतियां ने, उन्हां साम्राज्जी मुल्कां ने, उहदी इह झाकी नहीं असल तस्वीर है भारत दी। इक इह भारत है, इक उन्हां दा शाइनिंग इंडिया इंडिया हैगा।
इसी तरह शरद ने भी टिकरी बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर को देखा जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस ट्रैक्टर को 7 महीने में तैयार किया गया है और गुलिया खाप का बताया जा रहा है। ये ट्रैक्टर ऐसा है कि पहली बात तो आप जैसे देखेंगे तो आप कहेंगे ये ट्रैक्टर नहीं है, ये कुछ अलग ही कमाल किया हुआ है। इसमें पहली बात तो जो पहली नज़र में दिखाई देता है वो ये है कि हर चीज़ दो दो हैं, आगे के टायर जो दिखाई दे रहे हैं ये भी दो हैं, ये साइलेंसर जो हैं जो लगे होते हैं आमतौर पर ट्रैक्टर में वो एक ही होता है, इसमें दो दो लगे हुए हैं। तो आमतौर पर जो ट्रैक्टर 4 पहियों पर चलता है ये 8 पहियों पर चल रहा है। एक तरह से पूरा लग्जरी ये ट्रैक्टर बनाया गया है और 26 जनवरी की जब ट्रैक्टर परेड दिल्ली के अंदर होगी तो उसमें ये ट्रैक्टर जो है ये लीड करेगा, सबसे आगे चलने वाले ट्रैक्टरों में ये होगा। देखिए इसमें 35-36 लाख रुपए ट्रैक्टर में लग चुके हैं और ट्राली इसकी पीछे लगी हुई है, वो 5.5 लाख रुपए ट्राली में लगे हैं। और मंशा हमारी, हम खाप के प्रधान हैं, हमारे खाप का कोई भी सामूहिक विषय होता है उसमें हम इसमें बैठ के इसमें इसकी शान की सवारी को जो है ना हम इसमें लेके वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। अच्छा, और ये देखिए एक तरह से एग्जीक्यूटिव क्लास या जैसे आप वॉल्वो वगैरह में जैसे बसों में आप ट्रैवल करते हैं तो पीछे ट्रॉली के तौर पर इन्होंने यहाँ पर ये जोड़ा है। 35 लाख का ट्रैक्टर है, तब तो इस ट्रैक्टर को आंदोलन में आने का हक ही नहीं है। गोदी मीडिया ने यही लोगों को समझा दिया है। इसी तरह रविश रंजन ने गाजीपुर में एक ऐसी ट्रॉली देखी जो ट्रैक्टर के पीछे पीछे नहीं आई बल्कि एक बाइक के पीछे पीछे आ गई। बता रहा है ये सारा कुछ कि किसानों में इस परेड को लेकर कैसा उत्साह है और वे अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मशीन से ज्यादा और भी कुछ समझते हैं। गाजीपुर बॉर्डर में और अलग अलग सिंधु टीकरी बॉर्डर में जो किसान आए हैं उनके पास में जुगाड़ सिस्टम जो है वो बहुत ही शानदार है। अब ये देखिए, ये एक जुगाड़ सिस्टम का नमूना गाजीपुर बॉर्डर पर है। ये आप मोटरसाइकिल देख सकते हैं, शानदार मोटरसाइकिल है, बलविंदर सिंह जी हैं इस मोटरसाइकिल के मालिक। और मोटरसाइकिल के पीछे ये देखिए एक लोहे की रॉड लगाकर और इससे एक मिनी ट्राली लगा दी गई है, एक मिनी ट्राली लगा दी गई है। 8 लोग इस पर बैठकर लखीमपुर खीरी से आए हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके ये मोटरसाइकिल से इनको खींच के लगाया। बलजिंदर जी, ये कैसे आप बना लिए इसको? ये हमने जुगाड़ लगाया है। अच्छा, हाँ जी। क्यों जुगाड़ लगा दिया, इसकी क्या जरूरत है? ये तो शौकी सरदार होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको समझना बहुत औखी गल है। अच्छा, ये तो हम लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, अभी खाली बैठे थे तो हमने कहा चलो इसको ऐसे ही बच्चों के खेलने के लिए बनाते थे, चलो बड़ा बना दिया जुगाड़। अच्छा, और हमारे घर पे आके देखना बहुत बड़े बड़े जुगाड़ बनाते हैं हम। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड की बातें अनगिनत हैं, जितना बता रहे हैं उतना नहीं बता पा रहे हैं। इस परेड में उन परिवारों के सदस्य भी हिस्सा लेने आ रहे हैं जिनके सदस्यों की आंदोलन के दौरान मौत हो गई। पंजाब के मोगा से शहीद किसान माखन खान की पत्नी परमजीत और बेटे कश्मीर अली भी परेड में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। हरियाणा के कैथल के एक गांव के 2 दोस्त आंदोलन में शहीद हो गए। रामकुमार ढुल और बलदेव ढुल एक ही गांव के थे और इनकी दोस्ती की चर्चा पूरे गांव में थी। आंदोलन में शामिल होने के दौरान दोनों की मौत हो गई। दोनों के परिवार के सदस्य भी परेड में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। मेरे पिता जी मक्खन खान जी वो किसानी संघर्ष में शहीद हो गए जी, तो असी शहीदी असं उसे दिल्ली धरने जा रहे हैं जी, तो असी मोर्चा फतेह करके आवेंगे जी। बाकी मेरे नाल मेरी मम्मी है तो मेरे चाचा जी आ, तो असी काले कानून रद्द करा के आवेंगे जी। तब जी यही कह के गए थे भाई तीनों कानून वापस लेके आएंगे और मरते दम तक आएंगे नहीं, इतने कानून वापस नहीं होंगे। सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन सरकार मान नहीं है, क्या लगता है किसान अपने हक की जो लड़ाई ना मानो सरकार किसान इतने मानोगे नहीं इतने वापस नहीं आएंगे, लड़े रहेंगे वही खड़े रहेंगे। तो क्या कह के गए थे वो घर से? वो कह के गए थे कि या तो मिला आएगी या फिर कानून वापस होंगे। तो आप क्या सोच के जा रहे हैं? बस यही सोच के जा रही है, क्या तो कानून वापस होंगे नहीं, लाश आएगी मारी आखिरी बच्चे तक लड़ेगा। तो ये सब बता रहा है कि किसान आंदोलन डरा नहीं है, न कुदरत की मार से और ना NIA की नोटिसों से। 2 महीने होने के बाद भी ये आंदोलन पहले से मजबूत हो गया। नागरिकता कानून का विरोध कोरोना के कारण खत्म हो गया, लेकिन कोरोना के दौर में किसानों का आंदोलन नए अनुभव और समझ पेश कर रहा है। यही नहीं, नागरिकता कानून की एक सफलता और भी है कि उसका इतना तो असर हुआ कि सरकार अभी तक उस कानून को बनाने के बाद
ड्राफ्ट रूल नहीं बना सकी है। सोचिए उस वक्त कितनी बेचैनी और बेताबी दिखाई जा रही थी कि अभी और इसी वक्त गिनती करनी है। अब क्यों नहीं की जा रही है? क्या इसलिए कि बंगाल के चुनाव का इंतजार किया जा रहा है? यहां 27 मीटर लंबे सादे कपड़े पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है या उस परेड की तैयारी का ही हिस्सा है? यहां उन किसानों के भी नाम हैं जो इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए। किसान अपना अपना नाम लिख रहे हैं ताकि संदेश जाए कि वे एक हैं, और नाम लिखने का एक मतलब यह भी है कि सरकार के सामने अपनी पहचान दर्ज करा रहे हैं, छिपा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। असी किसानों का एक अलग दुनिया का सब तो व्डा जो रिकॉर्ड होएगा, असी ये झंडा ज लहरावे इतने उस जरा 27 मीटर का जोड़ा हैगा ये लंबाई है इसकी, और 4.5 फुट चौड़ा है, 5.25 किलो इनका वेट हैगा, और इस विचाले असी जोड़ा हैगा किसान नु खेती करद हो दिखाया गया, एक उन्होंने लोगो बना के तैयार किया, असी जोड़े शहीद हो चुके हले तक 116 की सूँ लिस्ट मिली सी, उन्होंने सुनहरी अखरों में उन्होंने नाम लिखा गया। उस तो बाद बाकी दी सारी जी जगह हैगी 395 स्क्वेयर फिट एक साइड की, वो असी आम पब्लिक लिए रखी गई है कि वह उत्थे साइन करके अपनी हाजिरी लवा तो मोदी को दसन कि असी किन्ने एके दे को दस्तखत के रूप के तक पहुँचे है। मुकेश सिंह सेंगर सिंघू बॉर्डर से, शरद टिकरी बॉर्डर से और रवीश गाजीपुर बॉर्डर से अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं। रवीश का कहना है कि आज 3-3 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टरों का काफिला नजर आ रहा था। रवीश शुरू से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। उन्हें झांसी से आए किसानों ने बताया कि पुलिस उन्हें ट्रैक्टर के साथ जाने से रोक रही थी, इसलिए बस से आ गए। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि पेट्रोल ना भराने के, डीजल ना भरने देने के कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए थे। आप ये बताइए, आप कहाँ से आए? जी मैं जिला ललितपुर से हूँ, रामकिशन यादव। अच्छा, रामकिशन जी ये बताइए कि ट्रैक्टर ट्राली से क्यों आप लोग नहीं आए? ट्रैक्टर ट्राली से 2 दिन पहले हमने सोचा कि हम ट्रैक्टर से ले आए, तो पुलिस ने मना कर दिया कि आप लोग ट्रैक्टर से जाओगे तो हम नहीं निकलने देंगे, तो हमने तो फिर हमने हम लोग बस से आए जी। अच्छा जी। शनिवार और रविवार को ही जगह जगह से किसान अपना ट्रैक्टर लेकर रवाना हो गए थे। सोचिए इस समय जब पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है, किसानों के लिए आंदोलन में आना खर्चा और कर्जा उठाने जैसा है, लेकिन वे इन कानूनों को लेकर, इनकी खराबियों को लेकर कितने मुतमईन हैं और चाहते हैं कि ये कानून वापस किए जाएं। संगरूर के खनौरी बॉर्डर से 3000 ट्रैक्टरों का काफिला 23 जनवरी को ही दिल्ली के लिए निकल गया। इस काफिले में 4 जिलों के ट्रैक्टर हैं। रास्ते भर इनके लिए लोगों ने लंगर लगाया। दावा किया जा रहा है कि 15,000 किसान इसमें शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के बैनर तले ये लोग आ रहे हैं। 26 जनवरी नू दिल्ली दे रिंग रोड ते वो करनी है रैली, मतलब ते वो गणतंत्र दिवस दे विच असी मार्च ने जिहड़े वो करने ने, क्योंकि हर एक का यह अधिकार है, क्योंकि गणतंत्र का मतलब भी हर गण हर जन इस परेड दे विच हिस्सा ले सकता है। इस करके असी भी पंजाब दे विचों अपने हक लैण लई इस 26 जनवरी की परेड है जी, शांतमई परेड है दिल्ली दे विच करने आ रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले का एक कस्बा है जीरा। यहाँ के इंजीनियर और किसान के बेटे पवित्र बराड़ ने एक कमाल किया है। रिमोट से चलने वाला ट्रैक्टर बना दिया है और ये ट्रैक्टर भी दिल्ली की तरफ निकला है। दुनिया में बिना ड्राइवर की कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के एलन मस्क को भी रिमोट से चलने वाला ट्रैक्टर देखना चाहिए। भारत का किसान कुछ भी बना सकता है। पवित्र ने यह ट्रैक्टर इसलिए बनाया ताकि किसान संघर्ष को ताकत मिले, जोश कम ना पड़े। साडा मोटिव कोई फीचरां नूं लैके अगे जाणदा नहीं हैगा, क्योंकि ये बिना ड्राइवर तो जिहड़ा चलण वाला ट्रैक्टर आ, असी बहुत इसका ध्यान रख्या गया। फस्ट रिमोट तो कंट्रोलिंग हैगी आ, सैकंड ते ट्राली दे इक परसन बैठा, एमरजेंसी हैगी आ, असी इहनूं रोड ते कल्ला नहीं चलावांगे, रोड ते मैनुअल चलेगा, बट जिथे फ्री स्पेस होगी उत्थे असी इसनूं चला के दिखा सकते हैं। हरियाणा से कई सारी खाप पंचायतों ने भी किसानों की परेड का समर्थन किया है। पीटीआई के अनुसार कंडेला खाप की तरफ से 1500 ट्रैक्टर परेड के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या आप इस सवाल से जूझ रहे हैं कि जिस सरकार ने 2 महीने तक किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी, वह सरकार 26 जनवरी को परेड की इजाजत कैसे दे रही है? आपका सवाल अच्छा है, जवाब मेरे पास नहीं है, बाद में पता चलेगा कि सरकार ने ऐसा क्यों होने दिया।
हरियाणा यूपी और दिल्ली के पुलिस अधिकारी दिन भर बैठ के करते रहे कई दिनों से। ये वाकई चुनौती का काम है कि 26 जनवरी का दिन शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे और आंदोलन और परेड में आए किसान और नौजवान अपने संयम का भी परिचय दें। इस समय पे रिपब्लिक डे के अवसर पे और साथ में जो किसानों का यहाँ आना है उस पे कुछ उसका फायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। ट्रैक्टर रैली सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करेगी और वापस अपनी जगह पर लौट आएगी। सिंघू बॉर्डर से यह कंझावाला, बवाना और चंडी बॉर्डर के एमपी एक्सप्रेसवे तक जाएगी और सिंघू बॉर्डर लौट आएगी। मुकेश सिंह सेंगर दिखा रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर किस तरह की तैयारियां हैं। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। यहाँ का नजारा आपको टॉप एंगल से दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको सड़क पर दूर दूर तक तिरंगे लगे ट्रैक्टर नजर आएंगे। किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां सजा रहे हैं कल की रैली के लिए और इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई है कि खुद किसान नेताओं को इसका अंदाजा नहीं था। किसान नेताओं का दावा है कि करीब 5 से 6 लाख की भीड़ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर होगी और लाखों की संख्या में ट्रैक्टर होंगे। क्या तैयारी की आपने? हम तो कल निकालेंगे मार्च। हाँ। जो हमारी ट्राली है उसमें तो हमने पखे पुखे सब लगाए हैं। हाँ। इन्वेटर है अंदर। हाँ। प्लग भी लगाए हैं, एलसीडी भी लगाई थी, वो अभी उतार के रखी हुई है। अच्छा। हम तो गर्मियों तक का इंतजाम करके आए हैं। बड़ी संख्या में किसान बिना ट्रैक्टर के ही दिल्ली आ रहे हैं बस और ट्रेन से। उनका आना बता रहा है कि आंदोलन 26 जनवरी को एक मंजिल तय करने नहीं जा रहा है बल्कि वहां से नए सफर की शुरुआत करेगा। बेशक सरकार ने सोचा हो कि परेड की जिद है तो परेड ही सही, कानून तो वैसे ही वापस नहीं लेने हैं। बातचीत एक मुश्किल जगह पर आकर रुक भी गई है लेकिन किसान अपनी लड़ाई 26 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे 25 नवंबर को शुरुआत नहीं हुई थी। भले हम उस दिन से आंदोलन की गिनती कर रहे हैं कि 59 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, लेकिन यह बात सच है कि आंदोलन तो जून और जुलाई के महीने से चल रहे हैं। तो इस तरह से किसानों का यह आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में 7 महीने पुराना हो चुका है, 7 से 8 महीने पुराना हो चुका है। ट्रेन में सवार किसान ओडिशा के बरगढ़ जिले से दिल्ली आ रहे हैं। आखिरी बार आपने टीवी पर बरगढ़ का नाम कब सुना था? इनके साथ छत्तीसगढ़ के भी किसान हैं। ट्रेन का नाम समता एक्सप्रेस है। ये रास्ते का वीडियो है। ओडिशा के आंकड़े पर नजर डालें तो बरगढ़ में किसानों की आत्महत्या की संख्या ज्यादा है। 2015 में सूखे के दौरान बरगढ़ में 40 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। रिपोर्टिंग नहीं होने के कारण खबरें सामने नहीं आ पाती हैं। जयपुर में यूथ फॉर किसान के बैनर तले किसान तिरंगा ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया गया। सीबी यादव के नेतृत्व में यह परेड टटियावास टोल प्लाजा से शुरू होकर कलेक्ट्री सर्कल तक पहुँचा। इसके बाद इनमें से कई किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। ब्रेक के बाद हम चलेंगे मुंबई। वहाँ आज़ाद मैदान में महाराष्ट्र के 21 जिलों से 10 से 15 हजार किसान जमा हुए हैं। मुंबई में किसानों का यह जमावड़ा दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर परेड के समर्थन में था। किसानों को संबोधित करते हुए एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की सुध नहीं ली, क्या वे पाकिस्तान के किसान हैं? शरद पवार ने राज्यपाल के बारे में भी कहा, उनके पास कंगना से मिलने के लिए समय है, किसानों से मिलने के लिए नहीं। महाराष्ट्राच्या इतिहासात आम्हाला असले राज्यपाल भेटले। आता काय झालं? आता इतर लाखोच्या संख्येनं लोक येणार आहेत, राज्यपालांना भेटून फक्त निवेदन देणार आहेत। राज्यपाल गेले गोव्याला, त्यांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे पण माझ्या शेतकऱ्याला भेटायला वेळ नाही। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों किसान जमा हुए। 180 किलोमीटर की यात्रा कर मुंबई पहुंचे किसानों ने। आजाद मैदान से मेट्रो तक करीब 500 मीटर का मार्च किया। सोहित मिश्र रविवार से ही आजाद मैदान में जमा किसानों को कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट।
मुंबई के आजाद मैदान से राजभवन के रास्ते तक जोश से भरे नाचते गाते किसानों का यह हुजूम जिसने देखा होगा वो ये नहीं कह सकेगा कि किसानों का आंदोलन पंजाब हरियाणा तक सिमटा है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते हुए 21 जिलों से हजारों की संख्या में किसान मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला भी शामिल हैं। डहाणू से चैती संतोष इन्हीं में से एक हैं। इससे पहले 2018 में भी वो मुंबई आई थीं। अपने 6 और 9 साल के दो बच्चों को घर छोड़कर उन्होंने इस आंदोलन में सहभागी होने का निर्णय लिया। हम हमारे अधिकार के लिए यहाँ आए हैं, अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो करेंगे क्या। नरेंद्र मोदी किसान नहीं है, इसलिए उन्हें किसानों की परवाह नहीं है। मुंबई आए किसानों के लिए शहर के लोगों ने भी कई इंतजाम कर रखे थे। दादर के गुरुद्वारा ने खाने की व्यवस्था की तो खालसा एड ने पानी की। हमें बताया गया था तकरीबन कल 10 से 15 हज़ार किसान जो नासिक और अलग अलग शहरों महाराष्ट्र से चलकर आए थे, तो उनके लिए यहाँ लंगर का खाने का इंतज़ाम किया था, स्नैक्स का इंतज़ाम किया गया था। बाजू में खालसा एड का पानी का स्टॉल है, हमने पानी का इंतज़ाम कल और आज के लिए किया गया है। कोरोना को देखते हुए बीएमसी के अधिकारी भी मैदान में मौजूद थे। लोगों को मास्क सैनिटाइजर बांटने के साथ ही कोरोना का टेस्ट भी यहाँ चल रहा था। यहाँ पर फर्स्ट एड मेडिकल हेल्प दे रहे हैं फ्री में, उनको फ्री में हम मास्क मुहैया करा रहे हैं, सैनिटाइजर की बॉटल्स दे रहे हैं फ्री में, और उनको फर्स्ट एड पूरा हम उनको हेल्प कर रहे हैं। मुट्ठी भर व्यापारी ना मदद। मुंबई के मंच पर नेता भी पहुंचे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोरात समेत कई नेता शामिल रहे। शरद पवार ने जहाँ मंच से राज्यपाल पर हमला बोला, तो वहीं किसान नेता अजित नवले ने कहा कि किसानों का प्रदर्शन केवल केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है। क्या था राज्य फलाना निवेदन दे रहे थे सचिव, मतलब महती ने तो बल सब कुछ महाराष्ट्र का इतिहास अवला असली राज्यपाल भेटले। आता काय झालं, आता इतर लाखोंच्या संख्येने लोक येणार आहेत, राज्यपालांना भेटून फक्त निवेदन देणार आहेत। राज्यपाल गेले गोव्याला, त्यांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे, पण माझ्या शेतकऱ्याला भेटायला वेळ नाही। महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है तो महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारी किसान सभा की कमिटमेंट किसानों के साथ है, इसीलिए वो हमारे आज साथ है। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के जमीन के जो मुद्दे हैं, फॉरेस्ट राइट इम्प्लीमेंटेशन का मुद्दा है, देवस्थान जमीन का मुद्दा है, वो भी हम उठाएंगे और उनको अपील करेंगे कि वो सुलझाए। आंदोलनकारियों के एक शिष्टमंडल को राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन राज्यपाल मुंबई में नहीं थे, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने ज्ञापन को फाड़ कर अपनी नाराजगी जताई। 4 बजे का वक्त दिया था उन्होंने और कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। शरद पवार जी जब आज बताए कि भाई वो गोवा चले गए, तब हमको पता चला कि भाई वो गोवा है, नहीं तो हमको तो पता चला, हम जाने वाले थे। तो इसलिए हमने ये तय किया कि हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल साहब के सेक्रेटरी को या ADC को निवेदन देने के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा। और दूसरा ये तय हुआ कि राज्यपाल को जो हम निवेदन देने वाले थे उसको पूरे जनता के सामने हमने फाड़ के फेंक दिया। आज यहाँ पे छोटे किसान और आदिवासी इलाकों से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, इनका ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि जब राशन व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी तो राशन व्यवस्था ख़त्म होने के बाद राशन कहाँ से मिलेगा, तो किसानों के हाथ से कृषि व्यवस्था निकल जाएगी, ये खतरा नंबर एक है। लेकिन जो ग्राहक है और ख़ास करके जो गरीब है, यहाँ भोजन सुरक्षा कानून जो आया है उस कानून के जो लाभार्थी हैं उनके लिए जो राशन की पूरी व्यवस्था है वो व्यवस्था ही खारिज की जाएगी, ये सबसे बड़ा खतरा इसमें है। मुंबई के इस किसान आंदोलन में एक सवाल शिवसेना पर भी उठा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के बाकी दोनों पार्टी के नेता जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन शिवसेना से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। पार्टी ने लोकसभा में इस कानून का स्वागत किया था, राज्यसभा में उन्होंने वॉकआउट किया था, और आज यहाँ पर जब उनका कोई नेता नहीं पहुंचा तो सवाल उठता है कि आखिर शिवसेना चाहती क्या है। मुंबई से सुनील सिंह, पूर्वा चिटनेस और कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।